हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ने कभी ना कभी तो एरोप्लेन को हवा में उड़ते हुए देखा होगा। क्या आपने ये जानने के लिए कोशिश किया है कि आखिरकार एरोप्लेन में ऐसा कौन सा फोर्स लगता है जो कि एरोप्लेन को हवा में उड़ने के लिए सक्षम बनाता है? तो आज बेसिकली इन्हीं सारे फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है और एरोप्लेन लैंडिंग कैसे करता है। आज हम एरोडायनेमिक्स के जितने भी फोर्सेस एरोप्लेन में अप्लाई किया जाता है उन सारे फोर्सेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एरोप्लेन में लगने वाले कुछ ऐसे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो कि एरोप्लेन को हवा में उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, द फोर्सेस ऑन एन एरोप्लेन। जो एरोप्लेन है उसके ऊपर बेसिकली चार प्रकार के एरोडायनेमिक्स फोर्स लगते हैं। चार प्रकार के एरोडायनेमिक्स फोर्स लगते हैं जो कि एरोप्लेन को एरोप्लेन को उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो जो सबसे पहला नंबर पर जो फोर्स एक्ट होता है इसके ऊपर वो है वेट फोर्स। वेट फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब इसे बेसिकली सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ऐसे खींचता है। जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से क्रिएट होता है उसी फोर्स को हम वेट फोर्स कहते हैं। तो वेट फोर्स इज इक्वल टू mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ में जो जी का वैल्यू है, अर्थ में जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जो वेट फोर्स है उसके जो ओपोजिट फोर्स, उसके जो दो नंबर का फोर्स है उसका जो ओपोजिट फोर्स है उसे हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं। लिफ्ट फोर्स बेसिकली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लाइट के होता है। जो फ्लाइट के जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर होता है। लिफ्ट फोर्स फ्लाइट ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमें लिफ्ट फोर्स और वेट फोर्स मिल गया तो हम बेसिकली इजीली, वेट फोर्स एरोप्लेन को नीचे की तरफ खींचेगा और लिफ्ट फोर्स एरोप्लेन को ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो इसीलिए हम एरोप्लेन को ऊपर नीचे तो कर पाएंगे। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए और एक फोर्स का यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स की वजह से एरोप्लेन को आगे मूव किया जा सकता है। तो थ्रस्ट फोर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है? थ्रस्ट फोर्स को बेसिकली जो एरोप्लेन के यहाँ पर जेट इंजन लगे हुए होते हैं, यहाँ पर जो जेट इंजन लगे हुए होते हैं, तो जेट इंजन का शेप कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर प्रोपेलर लगे हुए होते हैं। तो हवा को ये बेसिकली हवा को इसके अंदर इस तरह से एंटर होता है हवा, और यहाँ पर कॉम्प्रेस होकर बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है पीछे के साइड से। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ यूज किया जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन विल बी इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर हवा स्विच, मतलब हवा को कॉम्प्रेस किया गया और हाई बहुत तेज़ी से पीछे के साइड बाहर निकाला गया। तो एक्शन इस साइड हो रहा है तो रिएक्शन इसके ऑपोजिट साइड होगा। तो एक्शन के वजह से इधर रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन की वजह से एरोप्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इधर थ्रस्ट निकल गया और इधर बहुत तेजी से हवा, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए बहुत तेजी से आगे एक्सेलरेट हुआ। तो थ्रस्ट फोर्स से बेसिकली हम एरोप्लेन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो चार नंबर का जो फोर्स है वो है बेसिकली ड्रैग फोर्स।
ड्रैग फोर्स बेसिकली ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जो ये एरोप्लेन इस मोशन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके जो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। इसे हम एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एरोप्लेन के स्पीड को कम करने के लिए कोशिश करता है। ये एरोप्लेन के स्पीड को कम करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर स्पीड को कम करने के लिए जो फोर्स यूज किया जाता है उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसी ड्रैग फोर्स को यूज करके हम लिफ्ट फोर्स को अचीव कर सकते हैं। तो देखेंगे अभी डिटेल में कैसे हम लिफ्ट फोर्स को अचीव करते हैं। तो जो हमारा एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन को बेसिकली एरोडायनेमिक शेप के हिसाब से बनाया जाता है। तो यहाँ पर बर्नौलीस थ्योरम काम में आता है। एरोप्लेन के जो फ्लाइट है, एरोप्लेन के जो टेक ऑफ है उसे समझाने के लिए, एरोप्लेन के जो लिफ्ट फोर्स है उसे अचीव करने के लिए ड्रैग फोर्स कैसे हेल्प करता है उसे हम बर्नौलीस थ्योरम के मदद से समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो एरोप्लेन है, यहाँ पर जो एरोप्लेन के जो फ्लैप हैं, ये फ्लैप मूवेबल होते हैं। ये मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं होते, ये मूव कर सकते हैं। ये जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स मूव कर सकते हैं और हम ड्रैग फोर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लैप हैं, यहाँ पर स्लैप हैं, ये जो पीछे का ये वाला पार्ट को हम एलिवेटर कहते हैं, ये वाला पार्ट को हम रेडर कहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स अपने आप में मूव कर सकते हैं। तो हमें अगर लिफ्ट फोर्स को अचीव करना है तो हमें ड्रैग फोर्स को अभी समझ लेते हैं लिफ्ट फोर्स कैसे अचीव करना है। तो इसके जो एरोडायनेमिक शेप से ये एयरफॉइल को बनाया गया है, इसे थोड़ा सा अगर हम इसे कट कर देंगे तो बेसिकली ये इस तरह का दिखाई देगा। तो मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे हवा आ रहे हैं, मतलब एयर मोलिक्यूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे एयर मोलिक्यूल्स आ रहे हैं, और ये कुछ एयर मोलिक्यूल्स ऊपर के तरफ से जा रहे हैं और कुछ एयर मोलिक्यूल्स नीचे की तरफ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली मान लेते हैं जो एयर मोलिक्यूल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए एक एयर मोलिक्यूल से ए और एक एयर मोलिक्यूल्स है जिसका नाम है बी। बी नाम का एक एयर मोलिक्यूल्स है और ए नाम का एक एयर मोलिक्यूल्स है। तो जो ए नाम का एयर मोलिक्यूल्स है, इन दोनों को इधर जाकर भी एक साथ मिलना है। इधर ये सेम डिस्टेंस से अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, तो इन्हें अगले साइड भी जाकर सेम डिस्टेंस में मिलना है, मतलब सेम जगह पर मिलना है। तो ये कैसे मिलेंगे, देखो ए वाला तो नीचे से चला जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ये वाला ऐसे राउंड होके, रोटेट होके, यहाँ पर कर्व होके जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर बी में जो हो रहा है, बी वाला पार्टिकल्स ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ए वाला पार्टिकल्स। ए वाला एयर पार्टिकल्स कम डिस्टेंस कवर कर रहा है बी वाला पार्टिकल्स से। तो देखो जो पार्टिकल्स कम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इसे ज़्यादा स्पीड में तो जाना नहीं है, क्योंकि ये इसे कम डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन इसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो इसका स्पीड हाई स्पीड हो जाएगी। इधर जाने के लिए इसे हाई स्पीड अचीव करना पड़ेगा, इसीलिए अगर नहीं हाई स्पीड अचीव करेंगे तो एक साथ कैसे मिलेंगे। तो इसे एक साथ मिलने के लिए हाई स्पीड अचीव करना पड़ेगा। तो इसका अगर स्पीड ज़्यादा हो गया, किसी चीज़ का स्पीड ज़्यादा हो गया तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और किसी स्पीड का अगर स्पीड कम हो जाता है तो उसका प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से इस टाइप के एयर प्रेशर के जो डिफरेंस, एयर प्रेशर में जो डिफरेंस आता है, इसी वजह से हम लिफ्ट फोर्स को अचीव करते हैं। लिफ्ट फोर्स इसी वजह से क्रिएट होता है। तो देखो ऊपर के साइड लो प्रेशर आता है, ऊपर के साइड लो प्रेशर
आता है और नीचे के साइड हाई प्रेशर आता है, नीचे के साइड हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो हाई प्रेशर उसे लिफ्ट करके हवा में उड़ा देता है। इस एरोप्लेन को हाई प्रेशर, नीचे के साइड जो हाई प्रेशर होता है वो हवा में एरोप्लेन को उड़ने के लिए हेल्प करता है, और इसे हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं, उसे हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं। तो हमें अभी पता चल गया कि लिफ्ट फोर्स किसे कहते हैं। तो हम अभी एयर जो एरोप्लेन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। तो जो एयर है एरोप्लेन हमारा, तो इस एरोप्लेन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप नंबर वन है, अगर हम इसे टेक ऑफ कर रहे हैं, एरोप्लेन को टेक ऑफ कर रहे हैं, तो कैसे टेक ऑफ किया जा सकता है। एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए लिफ्ट फोर्स जो होता है, लिफ्ट फोर्स को ज्यादा करना पड़ेगा वेट फोर्स से, लिफ्ट फोर्स को वेट फोर्स से ज्यादा करना पड़ेगा। जो लिफ्ट फोर्स होती है वो वेट फोर्स के ऑपोजिट होती है। ये सारे फोर्स अपने आप के अगेंस्ट होते हैं, ये लिफ्ट फोर्स वेट फोर्स के अगेंस्ट होती है, वेट फोर्स के अगेंस्ट होती है। अगर हम लिफ्ट फोर्स को ज़्यादा कर देंगे तो वेट फोर्स कम, अगर वेट फोर्स को कम कर देंगे और लिफ्ट फोर्स को ज़्यादा कर देंगे तो ये एयरप्लेन हवा में इजीली टेक ऑफ कर देगा, इजीली टेक ऑफ करके ऊपर चला जाएगा। तो हम तो अभी समझ गए टेक ऑफ कैसे करेंगे, तो हम लैंडिंग कैसे करेंगे। सेकेंड नंबर पर आते हैं, लैंडिंग कैसे करेंगे एरोप्लेन को, एरोप्लेन लैंडिंग करने के लिए इसके ऑपोजिट फोर्स को कम करना पड़ेगा, वेट फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा लिफ्ट फोर्स से। वेट फोर्स को, ये जो वेट फोर्स था, वेट फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, इसे हाई करना पड़ेगा लिफ्ट फोर्स से, इसे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो तभी ये एरोप्लेन वेट फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आ जाएगी और हम इजीली लैंडिंग कर सकते हैं। जो थर्ड नंबर पर जो फोर्स, हम थर्ड नंबर पर आता है एरोप्लेन को एक्सेलरेट कैसे करें, एरोप्लेन को एक्सेलरेट करने पर, एरोप्लेन को एक्सेलरेट करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने के लिए, आगे मूव करने के लिए हमें बेसिकली उसका थ्रस्ट को ड्रैग से ज़्यादा करना पड़ेगा, थ्रस्ट फोर्स को ड्रैग फोर्स से ज़्यादा करना पड़ेगा। थ्रस्ट फोर्स को, जो इधर से जो ड्रैग फोर्स आ रहे हैं उसे थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा कर देंगे तो एरोप्लेन को इजीली हम एक्सेलरेट कर पाएंगे। जो ड्रैग फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस का जो ड्रैग फोर्स है, उसे अगर हम थ्रस्ट फोर्स को ड्रैग फोर्स से ज़्यादा कर देंगे तो ये इजीली आगे मूव करेगा। अभी चार नंबर पर आते हैं, चार नंबर पर एरोप्लेन को स्लो डाउन कैसे करते हैं, एरोप्लेन को स्लो डाउन, स्लो डाउन कैसे करते हैं। एरोप्लेन को स्लो डाउन करने के लिए हमें ड्रैग फोर्स को थ्रस्ट से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ड्रैग को ज़्यादा कर देंगे तो थ्रस्ट के मुकाबले ड्रैग को ज़्यादा कर देंगे तो ये बेसिकली स्लो डाउन हो जाएगा। अभी पाँच नंबर पर आते हैं, पाँच नंबर पर एरोप्लेन को कांस्टेंट स्पीड में कैसे मूव करेंगे। एरोप्लेन का अगर स्पीड कांस्टेंट करना है, एरोप्लेन का स्पीड को अगर कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट स्पीड
एरोप्लेन का अगर स्पीड को कांस्टेंट करना है तो हमें ड्रैग फोर्स को, जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा थ्रस्ट के, और ड्रैग फोर्स को थ्रस्ट फोर्स के इक्वल करना पड़ेगा, और वेट फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा लिफ्ट फोर्स के, तो एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड में जाएगा। तो देखो इसे कैसे समझ लेते हैं। ऊपर के साइड जो फोर्स क्रिएट होता है उसे लिफ्ट फोर्स कहते हैं, नीचे के साइड जो फोर्स क्रिएट होता है उसे बेसिकली कौन सा फोर्स कहते हैं, वेट फोर्स कहते हैं, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो अगर हम इन सारे फोर्सेस को लिफ्ट फोर्स को अगर इक्वल कर देंगे वेट फोर्स के, और ड्रैग फोर्स को अगर हम थ्रस्ट फोर्स के इक्वल कर देंगे, तो एरोप्लेन हवा में कांस्टेंट स्पीड में जाएगा। इसका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ना ये ज़्यादा तेज़ी में जाएगा, ना ये कम तेज़ी में जाएगा, ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये कांस्टेंट स्पीड में आगे मूव करेगा अगर हम सारे फोर्सेस को इक्वल कर देंगे तो। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।